संगीत हमारे जीवन में एक अलग ही मधुरता लेकर आता है। संगीत के जरिए से हम कोई भी कहानी गा सुना सकते हैं और एक चित्रणों के साथ आगे तक पहुंचा सकते हैं। आज हम बात करेंगे पटुआ की। पटुआ कम्युनिटी के लोग पट्टचित्र लेके जगह जगह जाते थे और फोक टेल्स या ट्रेडिशनल कहानियाँ, भगवानों की कहानियाँ लोगों को गाकर सुनाते थे। भारत के पूर्वी हिस्से में, जिसे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा कहते हैं, वहाँ पर पट्टचित्र की कलाकारी बहुत प्रसिद्ध है। पट्टचित्र का अर्थ है पट्ट पे करी गई चित्रकारी। पट्ट यानी कपड़ा, कपड़े पे करी गई किसी भी चित्रकारी को पट्टचित्र कहते हैं। इसकी अलग अलग शैलियाँ हैं, या तो लोग इसे कपड़े पे भी करते हैं या इसको पाम लीव्स पे भी करा जाता है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो 5वीं शताब्दी के कुछ ओल्ड म्यूरल्स दिखाई देते हैं भव्य मंदिरों में। आपने कोणार्क का मंदिर देखा होगा, आपने पुरी का भी मंदिर देखा होगा। जब भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी के मंदिरों को आप देखें, तो वहाँ आपको पट्टचित्र के अंश दिखाई देंगे। पटुआ कम्युनिटी के लोग जगह जगह जाते हैं और ऐसी सुंदर कहानियाँ गा के सुनाते हैं। इस कहानी में आज आप देखेंगे मछली की शादी। मछली की शादी हमारे क्राफ्टलेज लाइब्रेरी तक पहुंची पट्टचित्र से। ये दूसरी पेंटिंग जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें पाम लीव्स पे एंग्रेविंग करी गई है और इस पे चित्रण किया गया है किसी पौराणिक कहानी का। ऐसी सुंदर सुंदर कहानियाँ जब पटुआ लोग एक जगह से दूसरी जगह गा के सुनाते हैं, जगन्नाथ की कहानी या वैष्णव की कहानी, तो वो एक अलग ही माधुर्य पैदा करता है उनके संगीत में भी और उनके जीवन में भी। आप भी अपने जीवन में मधुरता लाइए, अपनी कला को जानिए और अपनी संस्कृति को पहचानिए। नमस्कार।